हूँ, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि कल हमने एक बहुत ही रोमांचककारी बात को पढ़ा, एक स्टोरी के रूप में भी हम उसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि एक ऐसा भारत का सर्वाधिक गरीब जिला है, भारत में एक ऐसा है जहाँ पर गरीब है, लोग गरीब हैं, वहाँ की स्त्रियां भी अपने आप को इतना आगे नहीं बढ़ा पाई थी, परंतु वहाँ पर साइकिल की एक ऐसी दौड़ चली, साइकिल का एक चलाने का एक ऐसा जज्बा, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा जज्बा आया, जिससे कि क्या हुआ, वहां पर जो है साइकिल चलाना, महिलाएं जो है वो साइकिल चलाना सीखी। तो ये दौर ऐसा दौर था जहाँ पे महिलाओं को जो लगता था कि वो अपने आप में, उनमें आत्मविश्वास जो है वो पैदा हो गया था, और उन्हें लगता था कि ये जो पुरुष प्रधान देश है, इसको हम लोग पुरुषों के बराबर चल के इसको भी, हम भी आगे जो है, महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। और जो वहां पर सीख चुकी थी उनको भी, उनमें इतना उत्साह था कि जो नए नए साक्षर थे, मतलब नव साक्षर जो साइकिल चलाना सीख रही थी, उनको वो भी जो है उत्साह दिखा रही थी और खुद का भी उत्साह उनका था। तो चलिए फिर क्या हुआ कि 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि जब हम अपने देश में रहने वाले, अपने समाज में रहने वाले, अपने राष्ट्र को अगर हम मिलकर के उन्नति की तरफ ले जाते हैं, तो कोई भी कारवा ऐसा नहीं है जो हमें रोक सकेगा, ना क्या कहा जाता है कि बस कारवा करते चलो, मंजिल जो है वो तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। तो 1992 में, 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद, जो नेशनल महिला दिवस जो है के बाद, अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने जो है, 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। अब क्यों कर दिया हक्का बक्का, क्योंकि जो जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं बाहर ही नहीं निकलती थी, एकदम जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम पिछड़ा हुआ था, और वहां पे उन्होंने देखा कि 1992 में अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी जो है पहले जैसा नहीं हो सकता, और जो उनमें जज्बा था साइकिल चलाने का, तो 1500 महिलाओं ने अपनी जो साइकिल के हैंडल पर झंडियां लगाई, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? अब पुरुषों की तो राय होनी थी, क्योंकि स्त्रियां जो है वो दो कदम पुरुषों से जो है आगे ही निकल रही थी। तो इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर की यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। तो देखो यहाँ पर एक बात बताई गई कि इसके पक्ष में आर साइकिल्स, शायद आपने देखा भी होगा कि आर साइकिल्स जो है वो अभी भी आती है, है ना, जो हैंडल वाली, जो बीच में डंडा लगा हुआ होता है वो वाली जो साइकिल होती है। तो आर साइकिल्स के जो मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के को दो कारणों से कम करके आंका गया। क्या ऐसी क्या बातें थी दो जिससे कि इनको कम आंका गया? तो पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का, लेडीज मतलब जो महिलाएं साइकिल चलाती है, का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदने लगी, क्योंकि पहले तो लेडीज महिलाएं जो है वो साइकिल चलाती नहीं थी, है ना, और पुरुष ही चलाते थे। तो वो इस समय को, वो उनको लगता था कि ये समय जो है वो वापिस निकल जाएगा, तो साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदिमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। देखिए इम्पोर्टेंट है कि कुदिमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल से चलते देखा।
उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि वही बात हो गई, ये तो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, अगर हम लोग स्वयं अपने आप को दिखाएंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोग आगे कभी भी नहीं निकल सकते हैं। तो गतिशीलता किसकी बढ़ती है, जब हम लोग आगे निकलते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, इससे आय में वृद्धि हुई, क्योंकि आय में तो वृद्धि होनी थी। यहाँ के कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी, अब उनको कोई रोकने टोक वाला नहीं था, क्योंकि उनके पास स्वयं के पास अपना साधन था। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे इससे नहीं इतना समय मिल जाता है कि अपना सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे इससे ये और अधिक इलाकों में जा सकती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसमें इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता भाई पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर बनना। महिलाएं जो है वो साइकिल चलाकर आत्मनिर्भर बन गई थी। उन्हें अपना कोई सामान बेचना होता था तो वो वहां पर इंतजार नहीं करती थी कि कब पति बेटा या कोई भी जो है पिता भाई जो भी आएंगे तो मैं उस सामान को बेचने के लिए जाऊंगी या उन पर निर्भर रहूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, अभी तो जैसे फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा समय जो है फॉरवर्ड हो गया है ना, आधुनिकता जो है अधिक अपना, परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। और जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो भी जो है आत्मनिर्भर हो गई। तो कुछ पहले ये भी होता था कि जो जो पास पास में गांव होते थे वे वहीं पे ही जा पाती थी, अन्य गांव में नहीं जा पाती थी। क्यों नहीं जा पाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो क्या होगा, टाइम भी लग जाएगा। दूसरा उन्हें ये टेंशन होती थी कि हमें उसका सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, तो इस प्रकार से। उसके बाद में देखो कि उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ को पैदल चलना पड़ता था, जिनके पास साइकिल नहीं है वे अभी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग कर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे दो या तीन बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। अन्य पहलुओं से जो है वो हमें आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। अभी पूरी पाठ का सार हो गया कि क्या हुआ, तो देखो महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं, अर्थात अपने आप को सेल्फ डिपेंड में बना सकूं ना। कुल्लू कोटे पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। विनम्र सवारी कैसे हुई, जो ना कोई एक्सीडेंट का डर रहता है और अपनी आराम से धीरे चलानी है तो धीरे चलाओ, तेज चलानी है तेज चलाओ, ना कोई इतना ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल की आजादी का प्रतीक नहीं समझता, मैं कभी भी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है,
उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने वाली जैसी बड़ी उपलब्धि है। अगर किसी गांव में, अनुमान कीजिए कि ऐसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या हम ऐसी किसी जगह पर रहते हैं जहां पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हम सिर्फ अपने साइकिल से इधर उधर जा रहे हैं, सामान ला रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर ये कितनी बड़ी बात है कि हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं के बराबरी ही नहीं कर सकते। पी साईनाथ ने इस पाठ के जो है लेखक है, देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि जब महिलाएं साइकिल चलाने लग जाती है तो पुरुष जो है वो इसकी बराबरी नहीं कर सकते, मतलब पुरुष जो है वो इतनी पीछे रह जाते हैं महिलाओं से। तो हमने पढ़ी एक साइकिल की कहानी, पढ़ी उन महिलाओं की कहानी, पढ़ी जो अपने आप को कहीं ना कहीं एक बार दबा कर बैठी थी और जब उन्हें साइकिल चलाना आया और वे साइकिल चलाने लगी तो उनमें एक उम्मीद जग गई और वो जो है अपनी साइकिल को उन्होंने हवाई जहाज से भी ज्यादा महत्व दिया। तो हम इस बात से यह भी सीख सकते हैं कि अगर हमें हमारे आत्मसम्मान में, अगर हमें हमारे हमारे आत्मसम्मान में कोई कमी लगती है कि हम यहाँ पर हमारी इज्जत नहीं हो रही है या महिलाओं को कम आंका जा रहा है, तो हम किसी ना किसी क्षेत्र में तो आगे निकल सकते हैं। तो चलिए, कौन होता है हमारा ये चैप्टर, और यहीं पर हम इसको पूर्ण करते हैं।